नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक संतोष पारिक। अब रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रशासन नकल रोकने के लिए कितने भी इंतजाम कर ले, लेकिन नकल करने वाले नकल करके ही रहते हैं। यहां वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि प्रशासन डाल डाल और माफिया पात पात। आपको बता दें कि हाथरस जिले के मुरसाना क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज बंका में सॉल्वर गैंग का खुलासा करने के बाद एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। शनिवार की शाम को एसओजी प्रभारी प्रमोद कुमार को सूचना मिली कि मुरसाना क्षेत्र के गांव राइक में सॉल्वर बोर्ड की कॉपी तैयार कर रहा है। लिहाजा एसओजी प्रभारी पूरी टीम के साथ मुरसाना कोतवाली पहुंचे और छापा मारकर ओमवीर पुत्र इंस्पेक्टर सिंह को रंगे हाथों दबोच लिया। साथ ही उनके पास से 7 हाईस्कूल विज्ञान विषय की कॉपी और 53 बिना लिखी हुई कॉपी बरामद की गई। जंगल में पहुंचे तो मौके पर जो है ओमवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय इंस्पेक्टर सिंह निवासी ग्राम रायक थाना मोहसान जनपद हाथरस के कब्जे से 29 बगैर लिखी और 24 कापियां जो है 24 इंटरव्यू कुल 60 कापियां जो है इनके कस्टडी से मिली हुई हैं। और ये जो है पैसे से बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ाते हैं और मास्टर माइंड सॉल्वर के रूप में जाने जाते हैं। बुलंदशहर क्षेत्र में खेत में पानी लगाने गए किसान को आवारा गौवंशों ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि बेसहारा गौवंशों द्वारा रोज नई नई घटनाएं देखने को मिल रही है, जबकि योगी सरकार का साफ तौर पर बेसहारा गौवंशों को लेकर प्रशासन को खुलेआम अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन फिर भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ग्रामीण क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट कप 2020 प्रतियोगिता के फाइनल मैच में नेशनल कुलपहाड़ टीम ने अमरगंज सिजहरी को 37 रनों से हरा दिया। क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ब्लॉक प्रमुख कबरई छत्रपाल यादव द्वारा खिलाड़ियों को इनाम दिया गया। साथ ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई और कहा कि समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें एक सिजहरी अमरगंज की टीम थी और एक कुलपहाड़, ये दोनों फाइनल में खेली हैं। अच्छा सराहनीय इसका कार्य रहा है, देखने के लिए मिला है हमको और सौभाग्य है जिन लोगों ने हमें यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया है और इनका बहुत बहुत आभारी हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम आशा करता हूँ कि चलते रहें। आज हमारे गांव में ग्रामीण कप 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों का, सभी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहा। और आज जो हमारा मैच खेला गया वो अमरियन और कुलपहाड़ 11 के बीच खेला गया, जिसमें कुलपहाड़ की टीम विजेता घोषित हुई और उसको 11,000 रुपये की राशि माननीय हमारे मुख्य अतिथि छत्रपाल चौधरी जी के द्वारा दिया गया। आगे जो भी गांव में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उन्होंने उस प्रतियोगिताओं में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पूरे दिल से मेरा सहयोग रहेगा। और मेरी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन सबने इस खेल को संपूर्ण करने में अपना भरपूर सहयोग दिया। किसानों, गरीबों और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील सोहावल प्रांगण में सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप ने उनके नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सूर्य नारायण और संचालन अरशद आलम मुनो ने किया। सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनूप सिंह ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के क्रियाकलापों से आम जनमानस परेशान है। लगातार तीसरे वर्ष भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। गन्ना पर्ची के अभाव में किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है। छुट्टा जानवरों के प्रकोप से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। तहसील व थाने में गरीब किसानों के फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इस सरकार में प्रशासन केवल हिटलरशाही की तरह काम कर रहा है। गाजियाबाद एसएसपी के कई बार बोलने के बाद भी बदमाश पुलिस को चुनौतियां देने से बाज नहीं आ रहे। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर पुलिस चौकी के पास से लाखों रुपए का सामान लेकर के फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला मोदीनगर थाना एरिया के निवाड़ी रोड का है।
ये दरअसल रात 3 बजे हम आए, शादी में गए हुए थे तो लगा इसका लोगो वगैरह टूटा हुआ था सारा, शटर उठा के देखा तो सारा सामान गायब था इसका। अच्छा, रात में यानी कि कोई सर उखाड़ के चोरी करके ले गया। हाँ जी हाँ। कितने रुपए का नुकसान हुआ तकरीबन? इसमें लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का। खनन अधिकारियों ने रेत खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली व 2 कैंटर सहित 3 गाड़ियों को मौके से जब्त किया। आपको बता दें कि बोगरासी चौक के क्षेत्र में भगवानपुर गंगा घाट से खनन माफियाओं का खनन जोरों पर चल रहा था। बोगरासी चौक के क्षेत्र में कैंटर के माध्यम से अवैध खनन सियाना क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। इस पर किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक इस पर अधिकारी कार्यवाही करते हैं। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे संख्या 9 के किनारे उस वक्त बस यात्रियों की जान खतरे में आ गई जब हाईवे के किनारे खड़ी सड़क धस गई। सड़क धसने से हुए गड्ढे में एक ट्रक और एक बस फंस गए। बस में यात्री भी सवार थे। काफी मशक्कत के बाद बस और ट्रक को बाहर निकाला गया। सड़क धसने का कारण लगातार हुई बारिश को माना जा रहा है। राहत इस बात की है कि घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं आई। हाईवे पर यह हादसा दिल्ली की तरफ से आने वाले रास्ते पर विजयनगर के पास हुआ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और सरकार ने नकलविहीन परीक्षा करने के लिए प्रत्येक केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। वहीं फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र में जगरूप सिंह इंटर कॉलेज में शिक्षा माफिया ने नया पैंतरा अपनाते हुए यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र के बाहर एक कमरे में विज्ञान विषय की कॉपी लिखी। पुलिस को इसकी सूचना लगने के बाद पुलिस व शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 14 कॉपियों को सीज करते हुए कार्रवाई की। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची प्रदेश सरकार की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुराधा शुक्ला ने मौके पर जाकर घटना की जानकारी ली और इस मामले में कार्यवाही के आदेश दिए। अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद पहली बार भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर सवाल खड़ा करना करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर संदेह करने जैसा है। उन्होंने कहा कि मंदिर आंदोलन में उनका सहयोग रहा है। उमा भारती ने अपना बलिदान देने के लिए कार सेवकों को रामलला मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े महान कार्य में मुझे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला। मेरा इस महान कार्य में किंचित प्रयास सफल हुआ। उन्होंने राम मंदिर निर्माण होने का अपना बलिदान देने वाले कार्य सेवकों को धन्यवाद दिया। जिले में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शनिवार को बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही जनपद के बिलारी कंदर और की शहर क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्रों में पहुंची और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नकल रोकने के इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नकल रोकने के लिए तैयारियां शुरू है। इसके लिए राज्य मंत्री ने परीक्षा केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग देखी। खबर गोंडा से है, जहां राज्य स्तर पर हुई समीक्षा के बाद जिले के 50,000 राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर दिए गए। वहीं 1,000 के करीब राशन कार्ड ऐसे हैं जिनके कार्डों का निरस्तीकरण की तलवार उन पर लटकी हुई है। आपको बता दें कि सरकार से मिलने वाले राशन की व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए पहले ग्राम स्तर के बाद में जिला स्तर से कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदेश स्तर पर हुई समीक्षा के बाद जनपद के 50,000 से ऊपर कार्ड धारक ऐसे पाए गए जो उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य जिलों से भी राशन की सामग्री ले रहे थे, जिसके कारण से यह कार्रवाई की गई। अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य ट्रस्टियों के साथ राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन किए और 67 एकड़ भूमि का जायजा लिया और राम मंदिर के लिए विहिप की पत्थर तराशने की कार्यशाला भी गए, जहां उन्होंने तराशे गए पत्थरों को बारीकी से देखा। साथ ही बाकी मुख्य लोगों के साथ दर्शन किए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि अभी राम मंदिर निर्माण को लेकर होमवर्क किया जा रहा है। परिसर में जायजे में मौखिक आंकलन किया गया। राम मंदिर निर्माण में कौन से चरण में कितना समय लगेगा, राम मंदिर निर्माण के लिए तकनीक लोग तय करेंगे कि मंदिर निर्माण कब शुरू किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक कब होगी, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में फिलहाल अभी कुछ बताने लायक नहीं है। मथुरा जिले में खाकी वर्दी पहने पुलिस जवानों की गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल हाईवे इलाके के शिवनगर कॉलोनी में रहने वाले खेम सिंह ने आरोप लगाया कि 3 दिन पूर्व रात्रि के समय 4-5 पुलिस वाले उनके घर आए और जबरन दरवाजा खुलवाकर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की और उन्हें थाने ले जाने का प्रयास किया।
जब घर वालों ने पुलिस कर्मियों का वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिस कर्मियों ने वीडियो बनाने का विरोध किया और मौके से भाग गए, जिसके बाद पीड़ित हेम सिंह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों के दरवाजे की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हाल ही में 33 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसके चलते उन्होंने डीआईओएस कार्यालय पहुंचकर के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम दिनेश ने डीआईओएस अनुप कुमार को व्यवस्था और बेहतर करने के लिए निर्देश दिए और लापरवाही पर फटकार लगाई। परीक्षाओं में शुचिता हो, नकल ना हो, और नकल माफिया जो जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था कि नकल के टेंडर उठते हैं, तो पहली बात तो परीक्षा केंद्रों के उसमें जो अनियमितताएँ थी उनको रोकने का काम किया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलप करके ऑनलाइन उनको करने का काम किया गया है, और साथ में ये भी प्रयत्न किया गया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट हों, सेक्टर मजिस्ट्रेट हों, सीसीटी कैमरे लगे हों, कंट्रोल रूम हर कॉलेज में हो, शहर का एक कंट्रोल रूम हो और पूरे प्रदेश का एक कंट्रोल रूम हो, ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा के और ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से चलें। अयोध्या में दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने बैठक का गठन किया। बैठक के दौरान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी अनिल ने बताया कि सभी भक्तों को रामलला के नजदीक से दर्शन हो, इसके लिए व्यवस्था बेहतर की जा रही है। मिश्र का कहना है कि रामलला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दर्शन व्यवस्था की जाएगी। रामलला का दर्शन करने के आने का उनका उद्देश्य है, इस ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष की भूमिका में आने के बाद वो आकर के अयोध्या रामलला जी का दर्शन करेंगे, फिर वो आगे कैसे क्या करना है प्रारंभ करने के बाद सोचेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने हिंसा करवाई है और अब उनका नाम दिल्ली पुलिस के माध्यम से मामले में शामिल करवाया जा रहा है। चंद्रशेखर ने शांति की अपील की है। गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। जुम्मे की नमाज के दिन गाजियाबाद के शहीद नगर में एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा कर रहे थे, तो वहीं पर इस दौरान अधिकारियों के साथ हिंदू समाज के लोग व्यवस्थाओं को संभालने में मदद कर रहे थे। गाजियाबाद जिले में अधिकारियों और लोगों की सूझबूझ से पूरी तरह से मामला शांत रहा। रामनगरी में बन रहे कोरिया पार्क का निरीक्षण करने के लिए दक्षिण कोरिया दूतावास के अधिकारी पहुंचे। भारत और कोरिया के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार की मंजूरी पर अयोध्या में कोरिया पार्क का निर्माण प्रगति पर है। इसी के चलते दिल्ली स्थित दक्षिण कोरिया दूतावास से रामनगरी पहुंचे अधिकारियों के दल ने निर्माणाधीन पार्क का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। बुलेटिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें सिटीजन्स वॉइस। नमस्कार।